अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मेरा नाम राबिया महमूद है और आज नया दौर में हम आपके सामने जो एक हम एक सीरीज़ कर रहे हैं इस वक्त मज़हबी बेसिस के ऊपर, मज़हबी बुनियाद के ऊपर जो तशद्दुद है पाकिस्तानी माशरे में, उसके ऊपर जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसका आज दूसरा एपिसोड है। हमने ज़िक्र किया था पिछली मरतबा जब आप लोगों के साथ सामने हम आए थे अवाम की बात के में ही 7 बजे वाले शो में, तो राशिद रिजवी के साथ हमने बात की थी अहले तशी के साथ होने वाला जो तशद्दुद है पाकिस्तान में, और आज का जो शो है उसमें हम पाकिस्तान की जो मसीह पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और जो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म का वायलेंस होता है और उसमें जिसमें बहुत ही हॉरेंडस किस्म का और बहुत ख़तरनाक मॉब वायलेंस के भी बहुत वाक़यात हैं पिछले कुछ दहाइयों में, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी के ऊपर और किस तरह से वो सफ़र करती है, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। यकीनन जैसे मैं कह चुकी हूँ कि यहाँ पर नया दौर में जो है हम फ्रीक्वेंटली इस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद होता है कि आपके सामने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव लेके आएँ और हम इस इशू को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें और इस पर लाइट डाल सकें थोड़ी सी। तो मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं सेसिल शेन चौधरी। सेसिल, वेलकम टू नया दौर। सेसिल जो हैं वो इस वक्त टीम लीडर हैं क्रिश्चियन सॉलिडैरिटी वर्ल्ड वाइड के, जो CSW है, जो कि इंग्लैंड में बेस्ड है, मगर सेसिल जो है साउथ एशिया की टीम में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को देखते हैं। मगर सेसिल का एक बात मैं ऐड कर दूं, उनका ताल्लुक लाहौर से है बेसिकली, और वो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसका जिसके और भी गेस्ट हमारे मुख्तलिफ शोज में आ चुके हैं और आपने उनका नाम सुना होगा, जो कैथलिक चर्च पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर काम करता है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे 7 साल तक। तो सेसिल जो हैं वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ये जो है इनका काम भी इसी से मुतालिक है मगर अब इनकी जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मगर हम जो है पाकिस्तान के ऊपर आज बात करेंगे सेसिल के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं सेसिल के, आपके ख्याल में बेसिक बात है, बहुत बेसिक सी, मगर ये जो पाकिस्तान में जो मसीही जो पाकिस्तानी है, क्रिश्चियन पाकिस्तानी को जो टारगेट किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तशद्दुद है, बिकॉज उसके पूरे खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, अपरूट कर जाते हैं, जाने तो जाती हैं लोगों की और लंबी लंबी जेलें होती हैं, मगर सब उनकी जो और जो उनके साथ तशद्दुद होता है, इस सब की क्या वजह है आपके ख्याल में पाकिस्तान में होने वाले, जो मतलब व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस, क्या पैटर्न्स हैं, और प्लीज़ इसमें इम्प्यूनिटी की भी बात कीजिएगा कि जो सज़ा नहीं मिलती उस पर भी ज़रा फोकस कीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। आई थिंक आपने ये अपनी इंट्रोडक्शन में यही बात हाईलाइट कर दी है कि सबसे पहली बात जो है वो इम्प्यूनिटी की आ जाती है। जब कोई वाकया होता है और उस वाकये के ऊपर एक अफर्मेटिव एक्शन और इमीडिएट किस्म का रिस्पांस स्टेट की तरफ से ना आए, तो इमीडिएटली वो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर और उनके एक परसेप्शन में एक फेयर और एक यू नो एक फीलिंग डेवलप करता है कि जी हमारे बारे में तो कोई सोचता नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देता है। एंड ये चीज़ हमने और जैसे आपने पूछा कि क्या वजूहत है, आई थिंक मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, मॉब वायलेंस का एक जो शुरुआत है वो 1997 से स्टार्ट हुआ, जब शांति नगर में एक मॉब वायलेंस का इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद से इतने ज़्यादा वाकयात हुए हैं जिसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है। NCJP में जहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था वो रिकॉर्ड, उसको डेटा रिकॉर्ड करके रखता था। 97 ले लें आप, 2009 के गोजरा के वायलेंस देख लें आप, 2013 के जो है जोसेफ कॉलोनी का मॉब अटैक देख लें, 2014 में शमा और शहजाद जो कपल था उनके साथ जो वाकया पेश आया और वो इतना एक ग्रूसम किस्म का एक अटैक था कि यू नो इवन वी वर स्ट्रक एंड शॉक्ड के इस लेवल तक इंसानियत गिर सकती है कि वो जाके एक कपल को अलाइव जो है वो उनको बर्न कर दे एक ब्रिकलैंड के अंदर। तो
आई फील कि इसके वन ऑफ द मेन रीजंस तो बिल्कुल ये है कि इम्प्यूनिटी है एंड देर इज नो चेक एंड बैलेंस एंड देर इज नो अफर्मेटिव एक्शन जो लिया जाता है उस हवाले से. लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड पिछले सालों में या पिछले दहाइयों में ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, और वो इंक्रीज की वजूहात जो है अगर जब हम देखते हैं तो वो हमें नजर आते हैं कि एक तो माइंडसेट में चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमें ज्यादा सोशल मीडिया के ऑनसेट के बाद हमने नजर आया कि वो माइंडसेट ज्यादा कैटलाइज हुआ, जहां पे हेट एंड वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस या इवन दीगर मजाहिब की तरफ जो है वो इंक्रीज हुआ है. और उसकी वजूहात फिर आपको नजर आती है जहां पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है. जब आपका एजुकेशन सिस्टम एक्सक्लूड करेगा, रिकग्नाइज नहीं करेगा द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, जब वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगा, जब वो किताबों के अंदर मवाद ऐसा मौजूद होगा जो सिर्फ इग्नोर नहीं बट रादर डिसरिस्पेक्ट करके एक हेट और बायस के साथ पेश किया जाएगा, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली उस चीज से इन्फ्लुएंस होगी और वो जो रिगार्ड है कम्युनिटी के लिए वो कम से कमतर होता जाएगा. एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट 2-3 डेकेड्स जो होता रहा है. एंड आई थिंक यू नो ये मेजर फैक्टर्स हैं, इम्प्यूनिटी एंड द माइंडसेट दैट हैज डेवलप्ड ओवर द पास्ट 2-3 डेकेड्स इन आवर कंट्री. सेसिल थैंक यू. आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक तो जो आपने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया और जो बहुत बड़े बड़े वाक़यात थे जिसमें गोजरा और जोसेफ कॉलोनी और शमा और शहजाद का और इस तरह से जो और छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं लोगों के साथ, जैसे पतरस मसीह के साथ हुआ. एक लड़का था, वो कहा जाता है कि टीनेजर था या कुछ कहते हैं कि नहीं 20 साल का था, एंड ही वॉज वो क्लिनिंग की उसकी जॉब थी जिस हम उसमें जो एक फाइनेंशियल मार्जिनलाइजेशन है कम्युनिटी की और जो उनकी वो माशी जो है कमजोरी उसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे उसका ताल्लुक है, मैं आपसे सुनना चाहूंगी. तो उसके साथ भी जो है वो तहरीक लबैक से जुड़े हुए जो थे वो जो ग्रुप था उसने वो एजिटेट किया उस केस को और बढ़ावा दिया और फिर इतना प्रेशर डाला, इतना वो जैसे इस कहते हैं कि सड़क पे आके दंगा किया कि उसके बाद पुलिस को उसने उसको अपने आप को खुद उसने जो है वो गिरफ्तारी दी. तो ये आपने और अच्छा मुझे मेरे उसके बाद मुझे मेरे जहन में ये नहीं था कि जो शांति नगर वाला वाक्य है वो बड़ा एक ऐसा वाक्य था जिसके बाद से ये शुरू हुआ है 90s में. It was it 87 or 97? 97. तो ये कोई पिछले 20-25 साल ही हैं जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हुए हैं. आपने इंटरनेट का भी जिक्र किया, ऑनलाइन भी जो केसेस हैं और अब वो बढ़ चुके हैं. अच्छा एक ये कि बिल्कुल इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि आप थोड़ा पैटर्न्स की तरफ ये बताइएगा, क्योंकि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जैसे जो आसिया बीबी को ही देख लीजिए, ठीक है ये मैं शमा और शहजाद को देख लीजिए, वो भट्टा मजदूर वाले उस सेटअप में उनका था, वो भट्टा मजदूर थे दोनों, और ये पतरस मसीह की जैसे मैंने मिसाल दी, या जोसेफ कॉलोनी में जो लोग थे सावन मसीह जिस बंदे के ऊपर था और अब वो डेथ रो के ऊपर है वो ब्लास्फेमी के केस में, और जो पूरा वो एक पूरा इलाका था जहां पर लोग जो थे वो यकीनन जो है वो मोस्टली वो रहते थे क्या कहते हैं वो फाइनेंस वो लोअर क्लास से उनका ताल्लुक था, यानी कि लोअर इनकम बैकग्राउंड से, वर्किंग क्लास से भी उससे, तो उनकी जिस तरह से जिंदगियां सारी खराब हुई उसके बारे में थोड़ा पैटर्न्स के बारे में बताइए. एक तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक की मगर ये कि कैसे ये चीज बढ़ जाती है अचानक से और फिर कंट्रोल में नहीं रहती, और पुलिस और खासतौर पे जब क्रिश्चियंस की बारी होती है आती है और पुलिस को कुछ नहीं पता चलता क्या करना है और चीजें कैसे इतनी खराब हो जाती हैं, क्या कोई जी देखें अच्छा मैं इस पे थोड़ा सा ये भी जिक्र थोड़ा सा एक और भी मैं बात करना चाहूंगा कि अभी जो ऑफ लेटली ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, एक तो आपने जिक्र किया ना कि जो केसेस का भी आपने बोला कि ब्लास्फेमी एक्यूजेशन थी और ब्लास्फेमी एक्यूजेशन के बाद फिर एक मॉब की एक शक्ल इख्तियार कर गया. बट आप अभी पिछले इन द नियर फ्यूचर नियर पास्ट में देखें, पिछले साल जो है नदीम जोसेफ का केस देख लें जो पेशावर में जो थे जिन्होंने घर खरीदा था एक कॉलोनी के अंदर और उनके खिलाफ जिस तरह का फिर वायलेंस हुआ और अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ, या मांगता मसीह
का जो केस था इसी साल में जो हुआ था, तो ये चीज एक नजर आती है कि अब जो बात जो बढ़ गई है वो सिर्फ एक ब्लास्फेमी एक्यूजेशन से नहीं है। अगर एक क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में थोड़ा बेहतर करता है एंड वो चाहते हैं कि एक बेहतर लाइफस्टाइल उनको मिल सके या वो अपने कैपेसिटी या करियर में ग्रो करते हैं, तो उसका भी एक उसको वो पेनल्टी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस या हेट स्पीच और डेंजरस स्पीच विच देन गोज टूवर्ड्स वायलेंस जस्ट बिकॉज के वो ग्रो कर रहा था अपने अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में या अपने करियर में, और वो चीज बर्दाश्त नहीं होती दूसरी साइड से, जिस वजह से इट अमाउंट्स टू यू नो वायलेंस टूवर्ड्स देम। सो ये जो एक ट्रेंड है ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है कि एक तो ब्लास्फेमी का मसला, बट एक नॉर्मल बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा था और जस्ट बिकॉज वो अपने करियर पाथ में ग्रो कर रहे थे वो चीज अगलों को एक्सेप्टेबल नहीं लगी और उन्होंने उस तरह का उसके साथ सलूक किया, जहां पे उसके बाद फिर वो ही और शी हैड टू पे अ वेरी हेफ्टी प्राइस विद देयर ओन लाइव्स आल्सो। तो ये जो सिनारियो है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये कि देखें ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है और दे लुक उनका जो उनके लिए वो जो एक रे ऑफ होप है वो स्टेट होती है, वो गवर्नमेंट होती है, वो अथॉरिटीज होती हैं। लेकिन अगर उनके साथ डे वन से अगर पुलिस का जो उनका रवैया है उनके साथ वो नेगेटिव हो, तो अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो दे होल्ड बैक और वो कहते नहीं हम जाके अगर बताएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ना मसला ये गिर जाए। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जिनका एक पॉजिटिव और केयरिंग सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड नहीं है टूवर्ड्स देम, एंड प्राइमरली बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन के साथ उनका देयर फेथ इज डिफरेंट, उनका मजहब फर्क है, तो वो डबल जेपर्डाइज हो जाते हैं। वो फिर वो क्या होता है वो वापस अपने शेल में जाना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे लिए तो कोई होप नहीं है। और इसमें देखें मैं अक्सर ये बात करता था कि जब आपके when you have constitutional discrimination, it will lead to institutional discrimination, which will further lead to societal discrimination. तो हम अब उस लेवल तक आ गए हैं बदकिस्मती से कि constitutional guarantees जब पूरी नहीं हो रही, उस तरह की discrimination आपके constitution में exist करती है कि मैं president या prime minister नहीं बन सकता अपने मुल्क का, वो allows space for institution to discriminate against others. And जब वो होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है सोसाइटी वाइडर सोसाइटी में ये नैरेटिव ज्यादा ग्रो करता है। आप ये देख लें कि जॉब्स की बात हो तो मीनियल जॉब्स हैं सैनिटरी वर्कर्स की ओनली नॉन मुस्लिम क्रिश्चियंस आर अलाउड टू अप्लाई। व्हाई, क्यों? जब आप ये करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्टिग्मेटाइज करके आप अदराइज कर रहे हैं कम्युनिटी को कि नहीं ये आप इसी काबिल हैं, आप इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। जबकि हम वी हैव एग्जांपल्स, मेरे पीछे मेरे वालिद की तस्वीर है, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पीपल जिन्होंने नाम कमाया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपनी जिंदगी, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स दे गेव फॉर देयर कंट्री एंड दे ग्रू बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म और बिकॉज उनका डिटर्मिनेशन थी टू ग्रो। तो जब आप स्पेस देंगे तो अगले जरूर करेंगे और करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड आपके खिलाफ बायस हो तो फिर कम्युनिटी है वो खामोश होना शुरू हो जाती है, वो एक खौफ में मुब्तला होती है, वो कहते हैं कि जी फिर बेहतर है या तो हम यहाँ से निकलें और चले जाएं, एंड दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आप 4 मिलियन 5 मिलियन क्रिश्चियंस को किसी बाहर के मुल्क में तो नहीं भेज सकते। The solution is कि आप मसले का हल निकालें ताकि वो बराबर के शहरी सेकंड क्लास सिटीजन के बजाय फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का ट्रीटमेंट मिले उनको। ये आपने बहुत ये थैंक यू फॉर रेजिंग दिस बिकॉज दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मतलब एक जो अगली हमने बात डिस्कस करनी है वो यही थी, आपने खुद ही उसका ट्रांजिशन दे दिया। पहली बात तो ये कि मैं बता दूं कि आपके वालिद की तस्वीर लगी हुई है, सेसल चौधरी हैं, लेट सेसल चौधरी, ग्रुप कैप्टन और पाकिस्तान के फाइटर पायलट थे और एक बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर और इट्स अ सर्विस बट ऑल्सो जस्ट आई मीन
ستارہ جرت اور پرائڈ آف پرفارمنس ان کو مل چکا تھا اور ہی از اے بگ نیم ان آر ہسٹری اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ یور فادر بٹ آلسو یور گرینڈ فادر ہو واز ون آف دا فرسٹ فوٹو جرنلسٹ اینڈ ایز اے ویری سینئر فوٹو جرنلسٹ فرام گریٹر انڈیا اور اس برٹش انڈیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی اور پہلے میرے خیال میں وہ فوٹو جرنلسٹ تھے پہلے جو نیوز پیپر میں پاکستان میں اس کے اندر تو اچھا یہ بات آپ نے جو ہے نا دو تین باتیں کی اس کو میں صرف ایک آگے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ جو فائنینشل ہے اس میں کاسٹ کا بھی جڑا ہوا ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا شو میں آج ہمارا بہت وائڈ ٹاپک ہے اس میں ہم بہت کم چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں تو مگر یہ جو کاسٹ کا جو ایشو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے یہ جو ہے ہمارے اور صرف انڈیا میں ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ہر چیز کے اندر ہے اور یہ کرسچن جو ہمارے کرسچن پاکستانیز ہیں ان کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس بات کو اور فائنینشل اور یہ ان کو بنا وہی والی بات کہ وہ ان کے لیے کوئی وینیوز نہیں ہے ان کے لیے گروتھ کے کوئی وینیو نہیں ان کو ادروائز خود سوسائٹی نے بھی کیا ہے انسٹیٹیوشنز نے بھی کیا اور ہمارے جیسے لوگوں نے بھی کیا ہے اور کہ آپ کا ایک اسٹیچر ہے اور آپ وہی ہیں اور آپ پیریفریز کے اوپر رہیں گے مارجنس کے اوپر رہیں گے اور وہی ہیں اور پھر اس کے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہے آپ نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا جو حکومت کے جو ایڈز آتے ہیں مطلب انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن کے اور بھی بہت ہیں مگر یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ بڑے بڑے اخباروں میں ایڈز آتے ہیں کہ اس میں ان جابس کے لیے صرف کرسچنز ان کی ضرورت ہے یہ تو جو ڈیمن ان کو ڈی ہیومنائز بیسکلی کیا ہے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے نہ تو ان کی جان و مال کی حفاظت نہ ان کی ویسے کوئی جو ہے وہ ڈگنیٹی جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اچھا مجھے یہ آپ نے ساری جو ہے وہ ہم پھر دوبارہ سے یہ جو وائلنس ریلیٹڈ ایشو کے پیچھے آئیں گے کیونکہ میں نے کچھ جو اپنے خود کام میں دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو جب ایک علاقے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو پرانا واقعہ یاد آتا ہے اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے ایک عام کرسچن کے لیے کہ اگر وہ پترس مسیح میں شادرا کے گاؤں کا کوئی بندہ ہے اس کا نیبر ہے یا اگر کوئی قصور میں یا شیخو پورہ میں کوئی رہنے والا ہے یا کوئی اگر اس کے کیا کہتے ہیں اس کو جوسف کالونی میں ہے تو اس کو پہلے گوجرا یاد آئے گا اس کو پہلے شانتی نگر تو اب کیا یاد لوگوں کو گوجرا یاد آ جاتا ہے لوگوں کو جوسف کالونی یاد آ جاتی ہے لوگوں کو اب یوہن آباد میں جو واقعہ ہوا کہ پہلے بم پھٹے اس کے بعد کوئی ایجیٹیشن ہوئی اور اس میں وہیں کے 100 سے زیادہ بندوں کو پکڑ کے کرسچنز کو تو کتنے سالوں تک جیل میں رکھ دیا تو وہ ایک ٹراما ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہے یو نو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایکسپرٹس ان سائیکالوجی اینڈ سوسائٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹراما ہے تو آپ یہ جو امپیکٹ ہے کمیونٹی کے اوپر آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ کوئی بڑا بھی کچھ اپنے ہو از ڈوئنگ ویل فار ہم سیلف اب یہ بھی ہے کہ اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے مگر یہ بتائیے گا کہ جو کیا ایموشنل سائیکولوجیکل فزیکل ہیلتھ کیا امپیکٹس ہیں بچوں کے اوپر بڑوں کے اوپر اور پھر اور ڈسپلیسمنٹ کی بات بتائیے یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر ہی اور پھر پاکستان سے باہر لوگوں کو جانا پڑتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت خوش خوش لوگ جاتے ہیں پاکستان سے باہر ہاں ایسے جیسے بہت آسان ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ میں اس کی مثال جو ہے میں یوہن آباد کے 2015 کے اٹیک سے ہی جوڑوں گا کہ سب سے پہلی چیز تو بیکاز یہ فائنینشلی اور اکنامکلی مارجنلائزڈ لوگ ہیں تو جب یوہن آباد کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ 100 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ساڑھے لٹرلی 5 سال تک جو ہے انہوں نے جیل میں وقت گزارا اس دوران ہم وہ کیسز دیکھ بھی رہے تھے اور ہینڈل کر رہے تھے اور اس میں ہم نے کئی گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا آپ کا بریڈ ونر جو ہے وہ جیل میں بند ہے بیوی بچے جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو میک اینڈز میٹ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے پریشر ہے ایک انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میرا جو بریڈ ونر ہے میرا جو میاں ہے وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا دو لوگ تو ان کسٹڈی مر گئے اس کیس کو اگر ہم دیکھیں تو دیر از مطلب ایک جو سائیکولوجیکل ایک ٹراما جو فیملی کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور ناٹ جسٹ دی امیجیٹ فیملی وہ ان کے دا وائڈر فیملی رشتے دار اور سب جو ہیں جب یوہن آباد کا اٹیک ہوا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو یوہن آباد چھوڑ کے دوسرے محلوں میں دوسرے نیبرہڈز میں چلے گئے
जिनके पास कुछ थोड़े बहुत वसाइल थे या जिन्होंने जो ज्यादा फियरफुल उनको खौफ था, उन्होंने अपने घर को बेचा, जो उनके पास असासे थे वो बेच के उन्होंने बैंकॉक जाने की कोशिश की, श्रीलंका जाने की कोशिश की, मलेशिया जाने की कोशिश की, जो उनको लगा कि शायद वहां से जाके वो उनको थोड़ा सा बेहतर मौके आगे के मिलेंगे। लेकिन आप भी बेहतर जानती हैं कि वहां पे जाके जिस तरह की प्रॉब्लम्स उनको वहां पे फेस करनी पड़ी, दोज वो इवन वर्स देन जो वो यहाँ पे देख रहे थे। और सो वही वाली बात कि इट्स ग्रीन, द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑलवेज। आप उस खौफ की वजह, और कौन कौन चाहता है कि वो अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपनी पूरी जिंदगी को और अपने मुल्क को छोड़ के एकदम से चला जाए? इट्स नॉट एज ईजी अपने पूरी चीजों को छोड़ के जाना वहां से, एंड देन एक अनसर्टेन पाथ पे निकलना कि पता नहीं आगे जाके होगा भी कुछ हमारा या नहीं, या वापस एंड वी एंड अप कमिंग बैक, या वी आर डिपोर्टेड बैक फ्रॉम दीज कंट्रीज, जो कि हुआ है। तो फिर बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं इस तरह की, जब ट्रांजिशंस या इस तरह की जब फ्लीइंग होती है, तो बच्चे तो रुक, उनकी एजुकेशन रुक गई, उनकी तो जिंदगियां रुक गई फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लोगों के लिए 2 साल, कुछ लोगों के लिए 4 साल, कुछ लोगों के लिए 5 साल। वो बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा, यू कैन वेल इमेजिन। Also, I'm sorry, I'm going to interrupt you because मैं चाहती हूँ कि इसी में आप add कर दो कि जो regular जो लोग नहीं भी displace हो रहे, जो आम जो Christian households हैं across class divides, ठीक है, उसमें ये थोड़ा generic है, मगर उसमें what are the parents saying to the kids? ये जो violence के जो violent वाकयात हो जाते हैं मुख्तलिफ, तो उनका क्या impact है? कुछ ऐसी बातें ना करना जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। मतलब मेरी अपनी मिसाल, जब मैं कॉलेज में था, मुझे याद पड़ता था कि कुछ मेरे अपने क्लास फेलोज जो क्रिश्चियंस थे, वो मुझे कहते थे, यार तुम क्यों मिलते हो ये बाकी मुस्लिम लड़कों के साथ, तुम क्यों दोस्तियां रखते हो? और मुझे बात नहीं समझ आती थी, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि आप आवाज उठाएं, अगर एक चीज गलत हो रही है तो स्पीक अप फॉर इट और डोंट गेट बॉग डाउन बाय इट। बट आई वाज प्रिविलेज्ड एंड आई काउंट माय सेल्फ प्रिविलेज्ड टू कि मेरे माँ बाप ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी, वो विजडम दिया, वो लर्निंग दी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी डज नॉट हैव दैट प्रिविलेज टू बी एबल टू स्पीक अप। वो एकदम से जो है एक शेल में चले जाते हैं और वो कहते हैं हाँ नहीं यार, बस खामोशी से अपना काम कर लो, यहाँ से निकल के अपना पढ़ लो ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए। सो आप उसके कॉन्फिडेंस को शैटर कर रहे हैं, आप उसकी सारी एबिलिटीज टू ग्रो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और उसको लिटरली जो है आप बंद कर रहे हैं एक बाउंड्री के अंदर, जहां पे माँ बाप फिर कहते हैं कि नहीं बहस ना करना। सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं बहस ना करना, वरना तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या इल्जाम लग जाए। और ये मैं आपको बताऊं, ये अब जो सिनेरियो है ये सिर्फ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक महदूद नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं, एंड आई कैन कोट एग्जाम्पल्स अगेन, मेरे नेफ्यू और नीसेस जो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में, मेरे अपने बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे जब हम पाकिस्तान में थे, एंड जो जिस तरह की कहानियां सुनने को मिलती थी, मुझे लिटरली आई यूज्ड टू गेट शॉक्ड कि यार यू नो, मैं समझता था कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सिर्फ ये हो रहा है, या बट आई रियलाइज्ड कि दिस इज गॉन बियॉन्ड, एंड इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आज आपको इस तरह की टॉन्ट्स, बुलिंग एंड स्पाइट और हेट जो है नजर आती है, जिस वजह से बच्चा बिल्कुल जो है वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, और यू नो दैट इज यू आर डिस्ट्रॉइंग द लाइफ, द फ्यूचर ऑफ दोस चिल्ड्रन। यस, दिस वाज ऑल वेरी वरिंग। वही आपने एक्नॉलेज भी किया अपना भी प्रिविलेज, बट ये जो आपने एक तो डिस्क्रिमिनेशन है और उसके रिजल्ट में होने वाली जो स्कूल में बुलिंग है, एंड व्हाट्स हैपनिंग टू द किड्स जो कि मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मुस्लिम मज़हब के अलावा किसी और सेक्ट से या उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये बात के हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि अब जिस तरह से जब हम उस दिन एक रजिस्टर, वायलेंस रजिस्टर है उसकी बात कर रहे थे कि जो सिटीजन्स ने बनाया है, उसमें है कि जी 1000 वाक़यात हुए हैं 2000
2005 से लेके 2021 तक 1000 से ज्यादा थोड़े डिस्क्रिमिनेशन के और वायलेंस के और अटैक्स ऑन द कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जो भी उनका डेटा कलेक्ट करने का मेथड था उसके थ्रू उनकी ये फाइंडिंग है. वो कोई इतनी एग्जैजरेशन भी नहीं लग रही, बिकॉज वाकयात तो आए दिन आते हैं, आपने भी इतने जिक्र किए जो आम और बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते ना, अनलेस के बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वायलेंस हो. जो थोड़े बहुत हैं वो तो लोग रिपोर्ट नहीं करते, खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं कि वो पब्लिक हो जाए. जैसे एक नर्स थी और उनको कराची में उनको किस तरह से वो खवातीन ही उनको मार रही थी, ठीक है, बुरके वाली खवातीन और बाकी उनकी कॉलीग्स नर्स उनके ऊपर एक बहुत ही सवेर किस्म का एक तशद्दुद. अच्छा, ये थोड़ा बताइएगा कि थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे हम हैं कि ये बहुत ज्यादा वाकयात में, वो नर्स का मैंने एग्जाम्पल इस वजह से दिया जैसे कि बहुत ज्यादा वाकयात में डिफरेंस कुछ और होता है, उसकी रीजन अक्सर कुछ और होती है, कोई लैंड से रिलेटेड है या कोई और इशू है, और उसमें मजहब को इस्तेमाल करके, तो अगर कोई क्रिश्चियन है या अगर कोई अहमदी है या हिंदू है तो उसको डराने के लिए, जैसे उसको आपके भी वो मैं एग्जाम्पल से लिंक करूंगी जो पहले आपने दी, उनको चुप करा दिया जाता है उसको यूज करके. सो ये भी क्या इंक्रीजिंगली ये अभी भी इसी तरह ही हो रहा है कि यू नो कोई ऑफिस में कोई इशू होगा, क्रिश्चियन बंदा है वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी कि अच्छा ये मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो अब ही इज ओपन टू अ लॉट ऑफ मिसकंडक्ट और पीपल आर यू नो द इसके इसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो बताइएगा. और कुछ कोई इट्स अ रियली वियर्ड clichéd question, but also do you can you come up give you can you give one policy suggestion also ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यू नो राइवलरी होती है, पर्सनल स्कोर सेटलिंग होती है, जिस वजह से मजहब को इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है ना हम उससे आगे निकल गए हैं, अब हमें नफरत होनी शुरू हो गई है विद द अदर साइड. और वो उसकी बदकिस्मती ये कि जो पिछले 2-3 दहाइयों की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम और किताबों में जो मवाद था जिसने आज की सोसाइटी को एक और तरह से यू नो पेश किया है रिलीजियस डाइवर्सिटी को पाकिस्तान के अंदर, कि आज हमें हम वी डोंट एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान. सो टॉलरेंस तो दूर की बात, हम एक्सेप्ट करने के तैयार ही नहीं है. और सो एक तरफ तो पर्सनल स्कोर सेटिंग है, राइवलरी जरूर है जिसपे मजहब को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आप त्यौहार के टाइम पे देख लें, क्रिसमस आएगा या ईस्टर आएगा, मुख्तलिफ त्यौहारों के इर्द गिर्द आप सोशल मीडिया पे देख लें किस तरह का हेट स्पीच जनरेट होना शुरू होता है. और आपको इससे अंदाजा होगा कि मतलब यू नो देर आर नैरेटिव जहाँ पे वो कहते हैं जी आप मेरी क्रिसमस ना बोलें क्रिश्चियंस को, यू नो सो. और ये सिर्फ ये एजुकेटेड हाउस होल्ड से भी आ रही है चीजें, यू नो बिकॉज वो नैरेटिव इस तरह का एक अलाउ किया गया है. तो ये मैं ये कहता हूँ कि ये इससे ज्यादा बढ़ गया है, एंड इसकी वजह से आपके इंसिडेंट्स जो हैं वो ज्यादा इस तरह के हो रहे हैं. अब आपने कहा सोल्यूशन, यू नो आई थिंक हम सब वी ऑल हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बट इट हैज टू स्टार्ट विद द सिंसेरिटी और नीयत जो है वो स्टेट की और गवर्नमेंट की एक सबसे पहले उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आईन के तहत जो गारंटीज हैं वो इंश्योर करें कि वो उनकी वो पैरवी कर रहे हैं. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और आर्टिकल 22(1) अगर कहता है कि जी आपको किसी और मजहब के अलावा स्कूल में और कोई मजहब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो फिर हमें सिंगल नेशनल करिकुलम को देखने की जरूरत है कि नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स के अंदर रिलीजियस कॉन्टेंट क्यों है. क्या मैंने नहीं पढ़ना उर्दू, क्या मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ना, तो उसके अंदर हम्द और नात और मुख्तलिफ चैप्टर्स जब आएंगे फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी हम बच्चे को कहेंगे स्कूल क्लास से बाहर निकल जाए. इज दैट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि आप बार बार बच्चे को कहेंगे बेटे जरा आप बाहर निकल जाए, अभी हम कुछ और पढ़ने लगे हैं. एक्सक्लूजन फ्रॉम दैट लेवल. ये कि वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर एडहियरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री और जो प्रोटेक्शन वो दे रही है, पहली बात ये है. और सिंसेरिटी के साथ हमें देखने की जरूरत है. फिर एज अ नेशन इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड हमारी कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसको हमने रेटिफाई किया हुआ है और हम उसको हमें उसको भी कंसिडरेशन में लेके जाने की जरूरत होगी, तो वो भी एक सेकेंडली एक चीज़ है. बट लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी नीयत जो है टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो नीयत जो है वो सही होनी चाहिए. देखें आप एक तरफ स्टेट कहती है जी फोर्स कन्वर्जन का एक इशू है
लेकिन फिर एंटी पोस्ट कन्वर्जन बिल को इतने आराम से रिजेक्ट कर दिया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस वो इग्नोर कर दिया जाता है, उस रिगार्ड ही नहीं दिया जाता और वो कंसिडरेशन ही नहीं दी जाती, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यू नो जब नीयत ही नहीं नजर आ रही तो फिर कैसे चीजें बेहतर होंगी। सो वी हैव टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, वी हैव टू इंश्योर कि हम the constitution says that hum equal citizens hain is mulk ke and we need to be awarded the equal opportunities. Last but not least, supreme court ki is tarah ki judgments hain jo aapko kehti hain ki aap protection dein aur promote kare tolerance in society. So I think we need to hame chahiye ki hum zara dekhein ki hum kya kar rahe hain. Ek taraf hum you know we allow violent extremist groups to move around freely, but we want to curb other voices of women and students etc. So you know we hame apna qibla seedha karne ki bahut zarurat hai aur hame apne aap self reflection hone ki zarurat hai ki hum kya hum baaki mein genuinely hum iske upar kaam kar rahe hain ya nahi kar rahe. थैंक सेसिल, थैंक यू सो मच. ये इसके वही वाली बात कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती थी, वेयर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 30 मिनट हो गए हैं, मगर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा दिस वाज वेरी यूजफुल. मगर इसके अलावा जो आखिरी बात मैं वही बात मैं दोहराने लगी हूँ जो सेसिल ने की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे एक इनसाइट थी और भी जैसे बहुत सी ऐसी इनसाइट्स थी जो हमारे लिए न्यू हैं, मगर एक ये कि जो हम पैटर्न्स ऑफ वायलेंस को स्टडी करते हैं और कहते हैं कि ये हुआ इसलिए ये हुआ ये वो सारी बातें थी वो एग्जिस्ट करती हैं, मगर अब जो इंक्रीजिंगली हमारी सोसाइटी में एक जो मसला है वो है कि नफरत और बिगट्री जो है तासुब वो इतना बढ़ गया है कि अब सिर्फ नफरत ही वजह है. अब ये नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी ने लैंड पर कब्जा करना था या फलां करना था या किसी को जॉब से निकलवाना था तो उसने कर दिया कि अच्छा इस नर्स को मैं मार दूंगी तो ये हो जाएगा और वो निकल जाएगी उसकी जॉब मुझे मिल जाएगी. अब जो है ये हो गया है कि नफरत बहुत बढ़ गई है सोसाइटी में और ये बहुत खतरनाक बात है. और ये जो है वो दूसरी चीजों को आप किसी तरह से थिंक थ्रू कर सकते थे मगर नफरत को कैसे खत्म करेंगे. और बहुत शुक्रिया सेसिल का, बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन का इस शो को देखने के लिए. प्लीज कीप वॉचिंग नया दौर. थैंक यू, खुदा हाफिज़.